प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूँ आज के इस संध्या के लिए। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि साल 2021 के लेंटन सीजन में आप सबों के साथ आज की इस विशेष आराधना में शामिल होने का और प्रभु के वचन को आपके साथ बांटने का मुझे अवसर मिला है। मैं इसके लिए परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं पादरी साहब का और पूरी पास्टरेट कमेटी का धन्यवाद देता हूँ इस नियोते के लिए और इस आदर के लिए कि जो प्रभु का वचन सुनाने का मुझे मौका मिला है। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की शाम का जो संदेश है वो कहीं ना कहीं हमारे दिलों को अंदर से एक बार नए रूप से जांचने और परखने का हमको अवसर प्रदान करेगा। जिन दिनों की शुरुआत आज से हमने की है इन्हें हम रोजे के दिन कहते हैं। दीज डेज आर कॉल्ड द डेज ऑफ द लेंटन सीजन। बहुत खास दिन है, विशेष दिन है, इसलिए विशेष है क्योंकि ये आत्म अवलोकन के दिन है। दीज आर डेज ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, दीज आर डेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जांचने और परखने के दिन है। दीज आर डेज ऑफ इनवर्ड लुकिंग, अपने अंदर झांकने के दिन है। बाहर की ओर नहीं, अपने अंदर, दूसरों को नहीं, खुद को, नॉट एक्सटर्नली बट इंटरनली, अपने आप। एंड दीज आर ट्रांसफॉर्मेशन डेज, ये दिन परिवर्तन के दिन है। हमारी यही उम्मीद है, यही हमारी कामना और प्रार्थना है। काश कि जब ये रोजे के दिन खत्म हो और हम पीछे मुड़ के देखें तो हमें ये दिन बहुत आशीषमय दिन दिखाई दे और जिंदगियों को बदलते हुए हम अपनी आंखों से देखने पाए। आज की संध्या में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। और जब हमने आज इन रोजे के दिनों को शुरू किया है, हर एक दिन मैं ये चाहता हूं आपसे और खुद को भी याद दिला रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद रखिएगा। रिमेंबर व्हाट जीसस हैज डन, रिमेंबर हिज सैक्रिफाइस, रिमेंबर व्हाट ही हैज डन फॉर यू, रिमेंबर दैट ही लेफ्ट द हेवनली थ्रोन एंड ही केम डाउन टू द अर्थ सो दैट यू वुड बी सेव्ड फ्रॉम इटर्नल डेथ एंड कंडेमनेशन। याद रखिएगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ करके और वो हमारे बीच में आ गया ताकि वो आपके और मेरे लिए अपने आप को बलिदान करके हमें मृत्यु से बचा ले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। लेंट इज अ टाइम ऑफ पुटिंग आवरसेल्व्स इन द प्रॉपर माइंडसेट, अपने आप को सही मनोभाव में, सही सोच में रखने की आवश्यकता है। इट इज नोइंग जस्ट हाउ मच वी नीड Jesus Christ on a daily basis। इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें रोज प्रभु यीशु मसीह की और उसकी माफी की आवश्यकता है। That we are broken, we are sinful, we are imperfect, and we need to remember that without Christ, we are hopeless people। हमें याद रखना है हम टूटे हुए लोग हैं, हम बिखरे हुए लोग हैं, हम पापी हैं, हम अशुद्ध हैं, हम असिद्ध हैं, और यीशु मसीह के बिना हम आशाहीन हैं, हमारे पास कोई आशा नहीं है। और ये बात सच है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सिवाय हमें और कोई जीवन नहीं दे सकता, उसके बिना मृत्यु तय है और निश्चित है। और इसलिए आज की शाम मैं चाहता हूं कि हम अपने ख्यालों को, अपने विचारों को पश्चाताप की ओर रखें, पाप क्षमा की ओर रखें, माफी की ओर रखें। इस बात को याद रखें कि हमने पाप किया है और हमें पाप क्षमा की आवश्यकता है। यहूदी समाज में राख मलना एक रिवाज का हिस्सा हुआ करता था। इट वॉज यू नो रबिंग एशेज ऑन द फोरहेड, ऑन द बॉडी, ऑन द फेस, यू नो इट वॉज पार्ट ऑफ अ सर्टन कल्चर। सो द क्वेश्चन इज, हैज द मॉडर्न चर्च ओनली सिंपली अडॉप्टेड दिस कल्चर ऑफ रबिंग एशेज, और डज एश हैव अ ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन द बाइबल? क्या आज के आधुनिक कलीसिया ने क्या यहूदी समाज के इस प्रथा, इस रिवाज को केवल ग्रहण कर लिया है, या राख का बाइबल में कहीं इससे ज्यादा उल्लेख है? और इस बात को याद रखिएगा कि राख जो है यह दुख मनाने का चिन्ह हुआ करता था। एशेज वर अ साइन ऑफ रिमोर्स, देयर वाज अ साइन ऑफ रिपेंटेंस, ये पश्चाताप का या माफी मांगने का चिन्ह हुआ करता था। एशेज वर अ साइन ऑफ मोर्निंग, शोक मनाने का यह समय, ये एक चिन्ह हुआ करता था। और जब लोग दुखी होते थे, शोक मनाते थे, किसी को याद करते थे,
और पश्चाताप करते थे तो अपने शरीर पर वो राख मला करते थे। कई जगह पर आपने पढ़ा होगा, उसने अपने आप पर राख मली और टाट ओढ़ी और वो बैठ करके पश्चाताप करने लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में कुछ एक ऐसे उदाहरण है जो मैं आपको देना चाहता हूं, जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट कि ये राख मलना जो है इसका क्या मतलब है और क्यों आज के दिन को एश वेंसडे कहा जाता है। क्यों इसको एश वेंसडे कहा जाता है? पुरानी कलीसिया का, प्राचीन कलीसिया का एक रिवाज था। वो रिवाज ये था कि गुजरे साल के एश वेंसडे पे जो खजूर की पत्तियों से बना हुआ सलीब मिलता था उसको आज के दिन जलाया जाता था और जला करके पासबान उसी राख को लोगों के माथे पर चिन्हित किया करते थे, लगाया करते थे और एक नए सलीब उनको दिया करते थे जो वो साल भर अपने पास रखते थे और बार बार उसको देखते थे, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद रखते थे। सो एशेस डू हैव अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड दैट इज व्हाई टुडेज वर्शिप सर्विस इज अ वेरी सॉलम, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्शिप एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट वी कैन पार्टिसिपेट इन दिस वर्शिप टुगेदर। I just want to give you a couple of examples from the Bible to help you understand the importance and the use of ashes. 2 Samuel chapter 13 and verse 19. Dusra Samuel uska 13va adhyay uska 9va pad. Now this is what Tamar did. Who is Tamar? David's daughter. And when David's daughter Tamar was raped by her own brother, she expressed her grief. She expressed her pain, her agony, her anxiety, and look what she did. 2 Samuel chapter 13 verse 19. Tamar put ashes on her head and tore the ornamented robe she was wearing, and she put her hand on her head and went away weeping aloud as she went. अपने दर्द को, अपने दुख को बयान कर रही है वो। उसने अपने ऊपर राख मला और वो रोती और चिल्लाती हुई वहां से चली गई। When Mordecai learned that the king signed a decree to have all the Jews killed, he and the Jewish people lamented. जब मर्दकाय को यह एहसास हुआ कि राजा ने एक आदेश पत्र पर सिग्नेचर कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिया है, जिसके द्वारा बहुत सारे यहूदियों को मार दिया जाए, तो मर्दकाय और उसके साथियों ने विलाप किया, शोक किया। And look what they said. Esther chapter 4 and verse 1. When Mordecai learned of all that had been done, he tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went out into the city, wailing loudly and bitterly. One more example. When Daniel needed deliverance, he went to the Lord. जब डैनियल को छुटकारे की आवश्यकता थी, वो प्रभु के पास गया और उसने अपने आप को तैयार किया। किस प्रकार से? Daniel chapter 9 and verse 3. So I turned to the Lord God, Daniel is saying, I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and petition, in fasting and in sackcloth and ashes. अपने आप को उसने इस प्रकार से तैयार किया। So, हमारे ये जो 40 दिन की यात्रा जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारी इस यात्रा में जिन बातों को शामिल होना बेहद जरूरी है वो है प्रार्थना का समय। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, आने वाले दिनों में जरूर अपने 24 घंटे में से कुछ समय प्रार्थना के लिए निकालिएगा, किसी प्रकार का बलिदान जरूर कीजिएगा। नो, बहुत सारे लोग हैं जो उपवास रखते हैं, रोजा रखते हैं और भोजन नहीं करते हैं, दिन में एक टाइम या दो टाइम भोजन नहीं करते हैं। उस भोजन का जो पैसा जो आप बचाते हैं, उस सारे पैसे को कहीं एक जगह जमा किया जाता है और ला करके उसको कलीसिया में दिया जाता है ताकि कलीसिया वो सेवकाई में उसको इस्तेमाल कर सके। इसको कहा जाता है सेल्फ डिनायल ऑफरिंग, अपने आप को के इनकार करने के द्वारा जो आपने भेंट जमा करी है उसको ला करके आप दे सकते हैं। डू सम काइंड of a sacrificial offering, किसी न किसी प्रकार का बलिदान जरूर कीजिएगा। अपनी अवस्था को और सही अवस्था को समझना बहुत जरूरी है इन दिनों में। यू नो, डोंट लुक ऑन द आउटसाइड, डोंट लुक एट द काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट यू हैव, लुक इनसाइड योर हार्ट, अपने अंदर झांक करके जांच के देखिएगा। और इस बात को रोज याद रखिएगा कि सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हमें छुटकारा मिल सकता है। इट्स ओनली थ्रू जीसस दैट वी कैन रिसीव
फॉरगिवनेस। एक कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक बार एक आदमी और उसकी पत्नी अपनी कार से जा रहे थे और बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया और पति को बहुत सारी चोट लग गई और वो कार से छटक के बाहर गिर गया। उसके सिर से खून बह रहा था, उसके शरीर से खून बह रहा था। लोग वहां पर आए, उन्होंने कहा भाई साहब आपको बहुत चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है, आपको तुरंत डॉक्टर की आवश्यकता है। आदमी ने कहा नहीं नहीं भाई साहब मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। दूसरे आदमी ने कहा नहीं नहीं भाई साहब देखिए आपके पैर से भी बहुत खून बह रहा है, आपके हाथ से बहुत खून बह रहा है, मेरी एम्बुलेंस बगल में खड़ी है, वो मेरी ही है, मैं आपको बैठा के ले चलता हूं, डॉक्टर वहां इंतजार कर रहा है, वो आपको देख लेगा, आपकी मदद कर देगा, आपको अच्छा कर देगा, आप चलिए मेरे साथ। और बार बार ये आदमी कह रहा था नहीं 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 मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे अंदर कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, आई डोंट नीड हेल्प, आई एम फाइन, नथिंग इज रॉन्ग विथ मी। The man kept saying again and again and again, there's nothing wrong with me, I don't need help. और कहानी आगे बढ़ती है तो वही मालूम पड़ता है कि उस रात ज्यादा खून बहने के कारण इस आदमी का निधन हो गया। The man died because of excessive bleeding. There is nothing wrong with me. मेरे साथ कोई परेशानी नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की संध्या मैं इसी बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस बात को याद रखिएगा, आत्मिक दृष्टिकोण से इस बात को कहना कि मेरे अंदर कोई खराबी नहीं है, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ये बहुत भयंकर बात हो सकती है। It can be, my dear people, a very, very dangerous thing for somebody to stand before God and say, there is nothing wrong with me. A very dangerous thing. Why? Because Bible says, all of us have sinned. Bible बताती है, हम सब ने पाप किया है और हम सबको परमेश्वर की मुआफी की, उसकी क्षमा की, उसकी शिफा की आवश्यकता है। और रोमियों के छठवें अध्याय में लिखा है, और परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन देना चाहता है। सवाल उठता है, क्या आप उसको लेने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू रिसीव द गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस एंड इटर्नल लाइफ व्हिच गॉड हैज टू गिव थ्रू जीसस क्राइस्ट? या आप आज यही कह रहे हैं, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। Are you this evening saying there's nothing wrong with me and that I don't need any help from anyone? There's nothing wrong with me. Iska vipreet kya hai? What is the opposite of nothing? There's nothing wrong with me? Well, the opposite is there are many things wrong in me and I need help. Mere andar bahut kami hai, mere andar bahut kharabiya hai, mere andar bahut burai hai aur mujhe madad ki avashyakta hai. Mere pyare bhaiyo behno, aaj ki shaam jab hum Ash Wednesday ki aradhana mein hai aur roze ke dino ko humne aarambh kiya hai, meri guzarish yahi hai, apne aap ko jaanchiye, parakhiye aur us vyakti ke saman mat baniye jo ye keh raha tha ki mere andar koi pareshani nahi hai, mere andar koi burai nahi hai aur mujhe koi madad nahi chahiye. लेंट के दिनों में दो ही प्रकार के लोग होते हैं। एक कैटेगरी वो होती है जो ये कहती है कि मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, आई एम फाइन एज आई एम, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी। और एक दूसरी कैटेगरी वो होती है जो ये कहती है, प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए। वेयर डू यू सी योरसेल्फ आउट ऑफ दीज टू कैटेगरीज? इन दोनों में से आप अपने आप को कहां रखते हैं? सो देयर इज वन कैटेगरी which is doing everything which Lent is not, and then there is another category that is doing everything which is supposed to be the Lenten season. The question arises, where do you see yourself this evening? My dear people, Lent is a time of preparation, and tonight marks the beginning of that time of preparation. Roze ke din tayari ke din hai, jaanchne ke din hai, aatma avlokan ke din hai, और आने वाले 40 दिनों की यात्रा जिसको हमने आज आरंभ किया है उसमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है। दीज आर डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रिक्रिएशन, रिजुविनेशन, रिफ्रेशमेंट, रिलैक्सेशन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, रियलाइजिंग योर ओन सेल्फ एंड सीकिंग गॉड्स ग्रेस एंड रिडेम्पशन। अपने आप को जांचना, परखना और प्रभु से माफी मांगने के लिए
उसके नजदीक आना। इट इज अ टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जांचने देखने परखने की आवश्यकता है, याद रखने के लिए क्या कुछ उसने आपके लिए कैलवरी के क्रूस पर किया है। और जैसे जैसे इन दिनों में हम आगे बढ़ते हैं, मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है, हर एक दिन यीशु मसीह के बलिदान को याद रखिएगा। रिमेंबर द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। लूका की इंजील और उसके 18वें अध्याय में मैं एक घटना का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं, जो 9वें पद से आगे लेकर के और 14वें पद के बीच में मिलता है, और एक बहुत ही खूबसूरत एक घटना है, एक दृष्टांत है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के साथ, जो लोग वहां बैठे थे उनके साथ साझा किया। और ये कहानी जो है, ये रोजे के दिनों की सच्चाई को, उसकी गंभीरता को, उसकी असलियत को हमारे सामने रखने का काम करती है। लूका की इंजील उसका 18वां अध्याय 9वें पद से आगे कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, और उसने, किसने, यीशु मसीह, उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत का। सो प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहा है? अहंकारी लोगों से, घमंडी लोगों से, वो जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, वो जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं, ऐसे लोगों से एक कहानी बता रहा है, एक दृष्टांत बता रहा है। नाउ जीसस इज टॉकिंग about two people, a story about two people, to these men who were self-righteous, self-elevating, self-exalting, pride, filled with pride. Jesus is talking to such people. प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों से बात कर रहा है। और कहानी क्या है? यीशु मसीह ने कहा, दो लोग, गौर से सुनिएगा, मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। Two men went up to the temple to pray. एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। A Pharisee and a tax collector. दोनों की प्रार्थनाओं को जरा गौर से सुनिए और मूल्यांकन करने का प्रयास कीजिएगा कि आज की शाम या आने वाले दिनों में इन दोनों में से आपकी प्रार्थना किसकी प्रार्थना से मैच करने वाली है। फरीसी के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, 11वां पद। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, क्या? ध्यान से सुनिए, हे परमेश्वर, you know, it's almost like the Pharisee is, putting forward his biodata. अपना CV, अपना biodata, अपनी अच्छाइयां वो यीशु परमेश्वर को बता रहा है। क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों के नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं और इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। 12वां पद, मैं सप्ताह में दो बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। ये फरीसी की प्रार्थना है। doesn't even sound like a prayer. It's almost sounds like introducing, the Pharisee is introducing himself to God. God, this is who I am a good man. मैं अच्छा आदमी, अन्यायी नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं, पापी नहीं हूं, दुष्ट नहीं हूं, इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं, सप्ताह में दो बार प्रार्थना करता हूं, अपना दान 10वां अंश देता हूं, परमेश्वर मैं एक अच्छा इंसान हूं और मेरे अंदर कोई बुराई नहीं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी, आई एम अ गुड मैन एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी। इफ यू सम अप द प्रेयर ऑफ द फैरिसी, दिस इज व्हाट ही इज प्रेइंग, गॉड आई एम अ गुड मैन एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी। हे परमेश्वर, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, एक अच्छा मनुष्य हूं और मेरे अंदर कोई खराबी, कोई बुराई नहीं है। और यदि आप देखें तो शायद हो सकता है कुछ हद तक ये बात सही भी थी, सारे तो अच्छे काम कर रहा है। सवाल ये उठता है, क्या यही अच्छे कामों का बयान करने वो मंदिर में गया था? आगे बढ़ते हैं, 13वां पद। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। द टैक्स कलेक्टर्स प्रेयर इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द प्रेयर ऑफ द फैरिसी। द टैक्स कलेक्टर इज रियलाइजिंग हिज सिनफुलनेस। द टैक्स कलेक्टर नोज ही डजंट डिजर्व टू बी इन द हाउस ऑफ गॉड, स्टैंडिंग समवेयर ओवर देयर इन द कॉर्नर, डिड नॉट इवन रेज अप हिज आईज टू द हेवंस, with his head bowed down and his hand beating the chest, says,
गॉड फॉरगिव मी, आई एम अ सिनर, हे परमेश्वर मुझे माफ कर, मैंने पाप किया है, हे परमेश्वर मुझे माफ कर, मैंने पाप किया। और अगर आप इस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को यदि समराइज करें, उसको समप करें, तो इसकी प्रार्थना यह होगी, हे परमेश्वर मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, बहुत खराबियां हैं, और मुझे आपकी मदद और सहायता की जरूरत है। चुंगी लेने वाले ने यह कहा, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, देयर इज प्लेंटी ऑफ थिंग्स विच आर रॉन्ग इन मी। और फरीसी ने कहा, मेरे अंदर कोई खराबी नहीं है। द फरीसी प्रेड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी and I don't need any help. The tax collector prayed, there are plenty of things wrong in me. God, I need your help and your grace and forgiveness. The question, my dear people, this evening is, which prayer is your prayer? In me se kiski prarthana? Aapki prarthana hai. Farisi ki prarthana? Ya chungi lene wale ki prarthana? And then the story goes on and Jesus goes on to say that the sinful tax collector was the one who was forgiven by God. चुंगी लेने वाला वो पापी था, चुंगी लेने वाले को परमेश्वर की माफी मिल गई, और जो फरीसी था, जो सिद्ध फरीसी था, वो जैसा आया था वैसा ही लौट गया। आज की शाम आपको भी परमेश्वर ने उसके वचन को सुनने का मौका दिया है। आप चुंगी लेने वाले की तरह पाप क्षमा प्राप्त करके लौटना चाहते हैं, या फरीसी की तरह जैसे आए थे वैसे ही लौटना चाहते हैं? चुनाव आपका है। द चॉइस इज योर्स। God through his son Jesus Christ has offered you this opportunity to listen to his word and receive the gift of forgiveness. The question is, are you ready to receive forgiveness or go back just the way the Pharisee went back? The Pharisee was proud. Pharisee ghamandi tha. Dusron ko neecha dikhata tha. Tuch janta tha. Aur apne aap ko uncha uthane ka, dikhane ka kaam karta tha. Chungi lene wala namr tha. दीन था और अपनी असलियत जानता था। अब इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। 14वें पद से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। चुंगी लेने वाले की बात हो रही है। धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये फरीसी जैसा आया था वैसा ही लौट गया। ये अपने आप को बड़ा बना रहा था, ये परमेश्वर के भवन से छोटा होकर के लौटा। ये चुंगी लेने वाला जो अपने आप की पापमय अवस्था को पहचान गया, दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने आके उसने माफी मांगी। ये आया तो छोटा था, लेकिन परमेश्वर के भवन से धर्मी ठहराया गया। धर्मी ठहरा, ही स्टूड जस्टिफाइड एज ही वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस ऑफ गॉड, ही रिसीव्ड फॉरगिवनेस। नाउ लेट मी शेयर विद यू समथिंग एल्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। सवाल ही उठता है, क्या चुंगी लेने वाले को इसलिए माफी मिली क्योंकि वो धर्मी था, क्योंकि वो दीन था, क्योंकि वो नम्र था? या क्या फरीसी को माफी इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो अहंकारी घमंडी था और अपने आप को ऊंचा दिखाता था? Did the Pharisee not receive forgiveness because he was arrogant and proud? And did the tax collector receive forgiveness because he was humble? Well, that is not the case. अगर हम ये कहते हैं कि चुंगी लेने वाले को माफी इसलिए मिली, क्षमा इसलिए मिली क्योंकि वो नम्र और दीन था, तो हम ये कह रहे हैं कि उसकी माफी उसके कामों पर आधारित थी। क्योंकि वो नम्र था इसलिए उसको माफी मिली। यदि वो ज्यादा नम्र होगा उसको ज्यादा माफी मिलेगी। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर के द्वारा जो माफी मिली वो चुंगी लेने वाले के कामों पर आधारित हो गई, और ऐसा नहीं है। दैट इज नॉट द केस, दैट्स नॉट द केस। लिखा क्या लिखा बाइबल में, फॉर सैल्वेशन इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। उद्धार परमेश्वर का वरदान है जो सेत में दिया गया, मुफ्त में दिया गया। क्यों? ताकि कोई घमंड ना करे। So that no one should boast of salvation. You cannot buy salvation. You cannot buy forgiveness of sins. You cannot exchange something for forgiveness of sins. You cannot mortgage forgiveness of sins.
मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप क्षमा आप खरीद नहीं सकते, अपने किसी काम से उसको अर्जित नहीं कर सकते, आप कुछ दे करके उसके बदले ले नहीं सकते, कोई चीज गिरवी रख के आप पाप क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। ये मुफ्त है, ये सेंत मेत है। लिसन केयरफुली, द टैक्स कलेक्टर एंड द फैरिसी वर बोथ ऑफर्ड फॉरगिवनेस। फरीसी को और चुंगी लेने वाले को, दोनों को माफी बराबरी से मिली थी। फर्क यह है, एक ने अपने अहंकार और घमंड के कारण माफी को ठुकरा दिया, दूसरे ने अपनी नम्रता, दीनता और पापमय अवस्था को पहचानते हुए माफी स्वीकार कर मिली। बराबरी से थी दोनों को, एक ने ठुकरा दिया, एक ने ले लिया। जिसने ठुकरा दिया वो जैसा ही आया था वैसा ही लौट गया, जिसने स्वीकार कर लिया वो धर्मी ठहराया गया, वो पाप क्षमा प्राप्त करके और छोटा आया था बड़ा होकर के परमेश्वर के भवन से गया, उस मंदिर से लौटा। माय डियर पीपल, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की शाम मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर की माफी आज आपके लिए उपलब्ध है। गॉड्स फॉरगिवनेस इज अवेलेबल फॉर यू दिस इवनिंग। द क्वेश्चन इज, लाइक द फैरिसी, Are you going to reject God's forgiveness? Or like the tax collector, you are going to receive with humility the forgiveness of God? आप अपने आप को इन दोनों में से कहां रख रहे हैं? जब हम रोजे के इन दिनों को शुरू किए हैं, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको आपका आह्वान करना चाहता हूं, परमेश्वर की इस माफी को ठुकराइएगा मत, इस अवसर को ठुकराइएगा मत। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। बहुत सारे लोग थे जो कल थे और आज नहीं है, बहुत सारे लोग थे जो पिछले लेंट सीजन में थे, एश वेंसडे को थे और आज नहीं है। आपको और मुझे परमेश्वर ने जिंदा रखा है। किसी प्रकार के अहंकार और घमंड में परमेश्वर के माफी के इस ऑफर को ठुकराइएगा। रिसीव इट, ले लीजिए। कहिए, हे प्रभु, मैं पापी हूं, मुझे आपकी माफी की आवश्यकता है, और वो माफ करेगा। ये उसका वायदा है, ये परमेश्वर का वायदा है। यदि हम अपने गुनाहों को मान लें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करता है। पहला योहन्ना पहला अध्याय और उसका 8वां पद में पढ़ा लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है, इफ दिस इज व्हाट वी आर सेइंग दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, वी आर डिसीविंग आवर ओन सेल्व्स। हम खुद को धोखा दे रहे हैं यदि हम ये कहें कि हमारे अंदर गुनाह नहीं है। 9वां पद, और यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की संध्या में आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें मौका दिया है तो बड़ी नम्रता और दीनता के साथ माफी के उसके ऑफर को रिसीव कर लीजिए। हम सब ने पाप किया है और हमें माफी की आवश्यकता है। क्या आज की संध्या, जब हम रोजे के दिनों की शुरुआती संध्या पर हैं और 40 दिन की एक सुंदर यात्रा को हम आरंभ करने जा रहे हैं, और वो यात्रा जो प्रभु यीशु मसीह की सलीब पर जाकर के, उसकी मृत्यु पर, उसके पुनरुत्थान पर जाकर के समाप्त होगी, क्या आप परमेश्वर की माफी को जो यीशु मसीह के द्वारा मिलती है स्वीकार करने के लिए तैयार है? चुनाव आपका है, अवसर आपके पास है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए और अपने जीवन का इस वचन के आधार पर मूल्यांकन कीजिए। क्या है आपकी आत्मिक अवस्था आज? कैसा है आपका संबंध परमेश्वर के साथ? कितनी नजदीकी है या कितनी दूरी है? प्रार्थना में कैसा समय गुजार रहे हैं? वचन पढ़ने में कितना समय गुजार रहे हैं? और वचन के आधार पर अपने जीवन का मूल्यांकन किस प्रकार से कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों को, मेरे भाइयों बहनों, लगता है कि लेंट के दिन है ना, तो कुछ बाहरी परिवर्तन की आवश्यकता है ना। कुछ लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, बहुत से लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, या बहुत से लोग कहीं घूमने फिरने नहीं जाते हैं, होटल में नहीं जाते हैं, या किसी आउटिंग या रिक्रिएशन के लिए नहीं जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, एक दफे मुझसे किसी ने कहा कि जस्टिन भाई, इन दिनों में हम अपने टीवी के फेवरेट सीरियल्स नहीं देखते हैं, ये उनके उपवास के तरीके हैं, बलिदान के तरीके हैं, ये बाहरी तरीके हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर बाहरी रूप
नहीं देखता। गॉड इज नॉट इवन लुकिंग एट योर व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक शर्ट और योर व्हाइट साड़ी। गॉड इज नॉट इवन लुकिंग एट दैट। व्हाट इज गॉड लुकिंग एट? ही इज लुकिंग एट द हार्ट। परमेश्वर दिल जांच रहा है और आज की शाम वो चाहता है कि आप अपने दिल का हाल देख लें। फरीसी की तरह मत बनिए, ये मत बोलिएगा कि मेरे पास कोई बुराई और खराबी नहीं है, मुझे मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि उस चुंगी लेने वाले की तरह दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर की माफी को स्वीकार कर लीजिए और कहिए, प्रभु मैंने पाप किया है और मुझे माफी की जरूरत है। ये मौका परमेश्वर ने आपको दिया है, इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी बी टेकन अवे फ्रॉम यू। और जब हम लेट के दिनों में आज से प्रवेश कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना मेरी कामना है आने वाले ये दिन हम सबों के लिए आत्मिक उत्थान के, उन्नति के, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के और नजदीक में आने के समय होने पाए। और काश कि हम अपने बाहरी रूप से ज्यादा अपने दिलों को बेहतर करने में और सुंदर बनाने में और स्वच्छ बनाने में परमेश्वर की सहायता प्राप्त कर सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों के जीवनों पर हमेशा बने रहे। आइए दुआ करें। महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए, इस रिमाइंडर के लिए प्रभु, जो हमें आपके वचन से प्राप्त हुआ है। मेरी दुआ है प्रभु जी, काश कि आपका ये वचन हमें से हर एक की जिंदगियों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने पाए, 30, 60 और 100 गुना फलवंत हो प्रभु, और हम अपने जीवनों में प्रभु आपके इस वचन के प्रभाव को देखने पाए। कैलवरी चर्च के लिए, पासवान और उनके परिवार के लिए, पास्टरेट कमिटी और के तमाम सदस्यों और सबके परिवारों के लिए और सब सदस्यों के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु। काश कि प्रभु हमें से हर एक जन इन दिनों में आपके नजदीक आ सके, आपके साथ एक क्लोज घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सके। और काश कि प्रभु जी हम अपनी जिंदगियों में घटते चले जाएं और आप बढ़ते चले जाएं। हमारे गुनाहों को माफ कीजिए प्रभु, हमारे जाने और अनजाने गलतियों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, और हमें ऐसा दिल दीजिए प्रभु जो दीनता नम्रता से भरा हुआ और आपकी माफी को स्वीकार करने वाला दिल हो। सारा आदर महिमा आपको देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से।